सपनों की सबसे अच्छी बात क्या है? ये नहीं देखती कि किसकी आंखें हैं, कैसा वक्त है, बस आंखों में घर बना लेती है। और तो और सपनों का कोई ठिकाना भी नहीं होता। ये कभी चांद को पाने की चाहत रखेंगी तो कभी जमीन पर महल खड़ा करने की। पर आंखों की खूबसूरती भी तो सपने हैं। इन्हीं सपनों की कई इमारतें इस जमीन पर अपनी शान बांध से खड़ी हैं, जिनकी कहानियां हम आप तक लेकर आए हैं सकनी इंडिया की सीरीज सपनों की इमारत में। क्या आपको पता है कि अंबानी के घर में कितने कमरे हैं? जितने एक साल में दिन होते हैं उससे कई ज्यादा। नंबर्स आपको कोई शॉकिंग तो नहीं लगेंगे, बस आई वॉज जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑफ मुकेश अंबानी लग्जूरियस होम। नमस्कार, सुप्रभात, केव छो, कसकाय, सलाम एंड सत श्री अकाल एंड हेलो। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। मैं तो कहती हूं होगा अंबानी का घर आसमान से ऊंचा, लेकिन ये किसी के सपनों की ऊंचाई का मुकाबला तो नहीं कर सकता। ऊंची इमारत के सपनों की बुनियाद तो जमीन ही है, और इसी जमीन पर सपनों की इमारत खड़ी करने की कोशिश में सकरनी सालों से लगा हुआ है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एंटीलिया की, जो मुकेश अंबानी के सपनों की इमारत है। मुंबई के रिहायशी इलाके में बसा एंटीलिया, मुझे लगता है कि यहाँ तक जाने के रास्ते में भी सोना ही सोना होगा। एंटीलिया 27 फ्लोर की एक बिल्डिंग है और एक फ्लोर की सीलिंग इतनी ऊंची है जितने एक औसत ऊंचाई के दो फ्लोर की सीलिंग होती है। मतलब 27वें फ्लोर से माउंट एवरेस्ट पक्का दिखता होगा। और तो और इसे शिकागो बेस्ड डिजाइनर ने खुद अपने हाथों से संवारा है। एंटीलिया के बारे में एक खास बात यह है कि ये रिक्टर स्केल के 8 तक के भूकंप की तीव्रता झेल सकता है। बातचीत आगे बढ़ाने से पहले हम ये जानते हैं कि एंटीलिया का नाम एंटीलिया कैसे पड़ा। दरअसल इस इमारत का नाम एक मिथिकल आइलैंड पर है जिसे 7 टापुओं का शहर एंटीलिया कहा जाता है। इस आइलैंड को लेकर कुछ कहानियां मशहूर हैं, लेकिन हम आइलैंड की गहराई में न जाकर एंटीलिया के अंदर का जायजा लेते हैं। इस घर के 6 फ्लोर ऐसे हैं जो पृथ्वी, जल, पानी, आग, ध्वनि और प्रकाश के प्रतीक की तरह है। इसके अलावा इमारत की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मार्बल, क्रिस्टल और पर्ल का इस्तेमाल किया गया है। एंटीलिया वो इमारत है जो एक होटल और अपार्टमेंट के थिन लाइन पर है, यानी इस इमारत में होटल जैसी लग्जरी लाइफ है तो घर जैसा एहसास भी है। एंटीलिया में एक स्नो रूम है जहां ये परिवार गर्मी से राहत पाने के लिए इस कमरे का टूर कर लेता है। मुकेश अंबानी का पूजा पाठ से कितना गहरा नाता है ये तो हमने टाइम टू टाइम उनके धार्मिक जगहों पर वक्त बिताते हुए देखकर पता लगा ही लिया है। इसके अलावा इनके घर में भी एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में गणेश जी, शिव जी और भी दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। एंटीलिया के लिविंग रूम के दर्शन करने समंदर की लहरें खुद यहाँ आती हैं। मुकेश अंबानी ने अपने घर की डिजाइनिंग को ऐसा बना रखा है कि सुबह सवेरे सूरज देवता भी अपने दर्शन देने खुद यहाँ आते हैं। इस कमरे का फ्लोर व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज हैं, जहां से आपकी नजरें उतनी दूर तक भी जा सकती हैं जितना कि अंबानी के बैंक बैलेंस के डिजिट, यानी कोई लिमिट नहीं है। इस रूम को और खूबसूरत बनाने के लिए कई तरह के आर्ट पीसेस का इस्तेमाल किया गया है। एंटरटेनमेंट के लिए इस घर में एक खास जगह बनी हुई है। इस इमारत में एक पर्सनल थिएटर भी है जहां लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। पर मैं ये सोच रही हूँ कि अंबानी के घर में थिएटर का काम क्या है, वो तो खुद ही पूरा शो बना लेते हैं। देखा नहीं था इस साल का नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, जिसमें पूरी दुनिया से सेलिब्रिटीज ने अंबानी के शो में अपना जलवा बिखेरा था। इसके अलावा एंटीलिया में स्पा,
स्विमिंग पूल, बॉल रूम, हेल्थ सेंटर, हेलीपैड और एलिवेटर जैसी सारी लग्जरी वाली सुविधाएं मौजूद हैं। तो ये थी दुनिया के दूसरे सबसे महंगी इमारत की बात। बता दूं कि पहले सबसे महंगी इमारत बकिंघम पैलेस है। सकरनी की भी चाहत है कि आपके सपने भी एंटीलिया की ऊंचाई को छुएं। इसलिए सकरनी की कोशिश है कि आपके सपनों की इमारत भी एंटीलिया की तरह ही सच हो जाए। और जब सपनों की इमारत खड़ी करने का इरादा हो तो सकरनी से बेहतर नाम हो ही नहीं सकता। आज ही अपने घर सकरनी के प्रोडक्ट्स ले आइए और अपने घर के कोने कोने को खूबसूरत बनाइए। मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर लौटूंगी सपनों की इमारत के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सकरनी इंडिया। नमस्कार।